वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत कुमार। बात करने जा रहा हूं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद या मोटिव ये है कि आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट हो जो बार बार कमेंट करके पूछते हो कि सर एनटीपीसी का तो डेट आ गया लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, बिकॉज कोई ऑफिशियल नोटिस तो अभी आया नहीं है कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और एनटीपीसी का जो लेवल है एग्जाम में और ग्रुप डी का जो लेवल है, दोनों में कोई चेंजेज है या एनटीपीसी का लेवल ही मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये बताता हूँ। और सिलेबस एंड स्ट्रेटजी को स्पेशल मैं अच्छे से डिस्कशन करूँगा। और एज अ फ्रेंड एक दो इम्पॉर्टेंट सजेशन दूंगा। तो अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो ना, तो जरूर फॉलो करना। ठीक है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, आप देख सकते हो। और चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको प्रेस करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लेना, ताकि कोई सा भी वीडियो आए, इन्फॉर्मेटिव हो, मोटिवेशनल हो या पढ़ाई को लेकर के हो, आपको वीडियो आते ही पता चले। और याद रखना, ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे का प्रिपरेशन करवाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग रेलवे का कर रहे हो तो आप लोगों को मस्ट है इस चैनल को फॉलो करना। अब यहाँ पे ये ऑफिशियल है तो अच्छे से देखो। कुछ दिन पहले जो है सो आपका रेलवे ऑफिशियल के तरफ से एक वीडियो जारी हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हो या कुछ भी, तो वहां पे सब कुछ बता दिया गया था। और वहां पे ही बताया था, देखो यहाँ पे, कि एनटीपीसी का जो 35,208 वैकेंसी है जिसमें 1.26 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, उसका एग्जाम 28 दिसंबर से होगा और वो मिड मार्च, मतलब आधा महीना मार्च तक, 15 मार्च के आसपास कह सकते हो, वहां तक चलेगा। और सच में 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट है। तो यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है जो काफी लोगों को नहीं पता है, ध्यान से देखो। ग्रुप डी के बारे में भी दिया हुआ है यहाँ पे, आइसोलेटेड एडमिनिस्ट्रियल का दे दिया था कि 1663 सीट है, 1,00,000 के अप्रोक्स कैंडिडेट है और 18 दिसंबर से 15 से 18 एग्जाम होगा। और हुआ ना। तो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के बारे में भी इन्होंने दिया हुआ है कि 1,03,769 वैकेंसी है, 1.15 करोड़ स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है और इसका एग्जाम जो है सो प्लानिंग किया गया है रेलवे के द्वारा कि एनटीपीसी के कम्प्लीशन के बाद, एनटीपीसी फर्स्ट फेज कम्प्लीशन ऑफ एनटीपीसी एग्जामिनेशन है ना। अब यहाँ पे देखो, मार्च, मिड मार्च में आपका एनटीपीसी CBT1 खत्म होगा और यहाँ पे देखो अप्रैल 2021 से ग्रुप डी स्टार्ट होगा। तो आप सभी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब मिला कि ग्रुप डी का एग्जाम मेरा अप्रैल से स्टार्ट होगा। अब यहाँ तक जो स्टूडेंट लेक्चर देख लिए हो, अब इम्पोर्टेंट सजेशन आप लोगों के लिए है। ठीक है, सजेशन, गाइडलाइंस कुछ भी सीरियस स्टूडेंट को दिया जाता है ताकि वो फॉलो करे, बाकी तो आते हैं और जाते हैं। अब मैं एज अ फ्रेंड आपको एक चीज बताता हूं, कॉमन सेंस लगाना अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड है और पढ़े लिखे हो तो। मैं भी एक यूट्यूबर हूं, ठीक है, बाकी लोग भी यूट्यूबर हैं। क्वालिफिकेशन आपने मेरा देखा, जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वालिफिकेशन सभी के पास हो, कुछ के पास होता है, कुछ लोग बस पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे लेक्चर बनाते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है, मान लो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे मिशन ग्रुप डी 100% सिलेक्शन। मान लो एक साल पहले नोटिफिकेशन आया तो एक साल पहले वो ऐसे बोलेंगे, मिशन ग्रुप डी, कैसे पाएं ग्रुप डी में सफलता, 100% सिलेक्शन। फिर मान करके चलो कोई इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा नहीं होगा पता ही नहीं है, वो शांत, वो चैनल शांत। फिर अचानक से 2 महीना पहले कोई ऑफिशियल नोटिस आता है कि 2 महीना बाद एग्जाम होने वाला है, फिर से स्टार्ट, 60 दिन में कैसे पाए सफलता,
60 दिन में कैसे ले रेलवे का जॉब, मिशन ग्रुप डी टारगेट इन 60 डेज, फिर मान के चलो खत्म। लास्ट का जब 7 डेज बचेगा, फिर से कैसे पढ़ाई करे कि 7 दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मिशन ग्रुप डी टारगेट टू कंप्लीट इन 7 डेज। एक बात बताओ, पढ़े लिखे हो ना, ऐसे करने से सिलेक्शन होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए होता है और पैसा कमाने के लिए होता है। इसीलिए इफ यू पीपल आर सीरियस एंड यू वांट टू स्टडी सीरियसली, ओके, तो आपको क्या करना है, एक अच्छा खासा चैनल को फॉलो करना है जहां पे पढ़ाया जाता है, पढ़ने में मन ना लगे तो मोटिवेशनल लाइन, मोटिवेशनल स्पीच बोला जाता है ड्यूरिंग द लेक्चर, ताकि आपको समझ में आए, पढ़ने का मन करे, प्रिपेरेशन करवाया जाता है, अच्छे से करवाया जाता है, चैप्टर वाइज करवाया जाता है, फिर उसका कलेक्शन करके, जैसे कि मान लो मैं एक चीज पढ़ाया, एक फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ाया, इस चैप्टर में 12 लेक्चर्स पढ़ाया, इस 12 लेक्चर्स में 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, 100 क्वेश्चंस क्लियर, इसी तरह से दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर क्लियर, जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर सारे का क्वेश्चंस को एक बार फिर से क्लियर, जब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर रेंडमली कहीं से उठा करके कुछ भी क्लियर, मतलब याद हो जाएगा, रट लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बनाना सीख जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे और देख करके ठोक के आओगे। ऐसे पढ़ाई किया जाता है। 7 डेज में ग्रुप डी निकाल लोगे क्या, एनटीपीसी निकालोगे क्या? जी नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है, कम से कम 10 घंटा आपको रोज पढ़ना है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना कंटिन्यू पढ़ोगे, नोटबुक पे नोट्स बनाओगे, रिमेम्बर करोगे, रिवीजन करोगे, तब जा करके एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ये सब सजेशन एज अ फ्रेंड दे रहा हूं, ठीक है। अब एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट अपने बारे में, जैसे मैं बताता हूं, अभी मैंने ग्रुप डी का कोर्स लॉन्च नहीं किया है, आप लोग कमेंट करना, थोड़ा देर में ग्रुप डी का कोर्स लॉन्च होगा। ये फिलहाल मैंने एनटीपीसी का लॉन्च किया हुआ है, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है, इसका लेवल थोड़ा सा टफ होता है। ग्रुप डी 10th लेवल का जॉब है, उसका लेवल काफी आसान होता है। जितने लोग ग्रुप डी दोगे, जरूरी नहीं है कि एनटीपीसी भी दोगे, बट सारे एनटीपीसी वाले लोग ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप एनटीपीसी का प्रिपेरेशन अच्छे से कर लेते हो तो एनटीपीसी का जॉब तो निकालोगे ही निकालोगे, 100% गारंटी है कि ग्रुप डी आसानी से निकालोगे, बिकॉज ग्रुप डी का जो लेवल है उसके उससे ज्यादा लेवल का आप पढ़ रहे हो ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जाओगे ग्रुप डी में ठोक के होगे, ठीक है। और पढ़ना कैसे, अब ये बताता हूं। ये जैसे है, मान लो ये जनरल साइंस है, आप जनरल साइंस पे गए, ये फिजिक्स है, आप फिजिक्स पे गए, ये चैप्टर है यूनिट्स मेजरमेंट, 10 लेक्चर है, मान लो ऐसे क्लास 1 से लेकर के क्लास 10, ठीक है, मान करके चलो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। उसी तरह आपका ये चैप्टर आया, ये खत्म, स्पीड वेलोसिटी खत्म, वर्क पावर एनर्जी खत्म, हीट टेम्परेचर खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, इसके आगे साउंड, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस तरह से अगर खत्म करोगे, नोट्स बनाओगे, एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को स्टार मार्क करके रखोगे, फिर यहाँ पे आकर के मान के चलो आप जो है सो टेस्ट लगाओगे, इस तरह से टेस्ट लगाओगे, जैसे कि मान लो मैथ्स है, आप पूरा परसेंटेज पढ़ लिए, अब यहाँ पे परसेंटेज का टेस्ट लगाओगे, परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। टेस्ट भी किस तरह का, वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये टेस्ट है आपका, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश ऑप्शन, इस तरह से इतना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है कि सिलेक्शन आपका अपने आप होगा। अब यहाँ पे 1 अप्रैल से आपका एग्जाम है, अभी आप कह सकते हो लगभग फोर मंथ्स, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना, सीरियसली पढ़ोगे ना, जॉब लोगे, लाइफ सिक्योर करोगे, बिंदास जिंदगी जियोगे, और फिर एनटीपीसी या हायर ग्रेड पे का जॉब का तैयारी करोगे, तैयारी भी नहीं करना पड़ेगा, इतना तैयारी तो मैं करवा दूंगा कि सिर्फ फॉर्म भरोगे और निकालोगे। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, भटकावे में नहीं जाना है,
बेवकूफ कोई बनाएगा तो बेवकूफ मत बनना, लॉजिकल पढ़ाई करो। लॉजिकल कोई सा मेरा एक लेक्चर देखो आप, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे समझाया जाता है, और आपको समझ में आता है कि नहीं खुद कमेंट करना। कोई सा भी लेक्चर रैंडमली मेरे चैनल का कुछ भी खोलो और देखो। और ग्रुप डी का तैयारी करना कैसे है, उसका सिलेबस क्या है, उसका स्ट्रेटजी तो लगभग मैंने आपको बता ही दिया, बट सिलेबस क्या है, फोकस किस पे करेंगे ताकि अच्छा से स्कोर कर सके, स्पीड कैसे बढ़ाना है, ये सब मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ किसी और लेक्चर में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसा ही अगला लेक्चर आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और कोई कमेंट होता, बिकॉज ये लेक्चर आप लोगों के वजह से ही बनाया गया है, जितने लोग कमेंट किए हो ना उसी के वजह से ये लेक्चर बनाया गया है, तो इसके अलावा कोई क्वेरीज होता है तो आप लोग कमेंट करो। ठीक है, बाय, थैंक यू।